इज ए जुवेनाइल। आपने एक्ट में पढ़ा है कभी कि नहीं पढ़ा है? किताब रखा है आपने? नहीं रखा है, दीजिए इनको, बुक दीजिए, पढ़िए जरा सेक्शन 74 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जज इज ऑलवेज एट द रिस्क, दोनों हालत में, अच्छा वकील और जरा गड़बड़ वकील रहा तो दोनों, वीक वकील रहा तो दोनों हालत। यस, व्हाट इज द एरर? ऑर्डर सीट में हुजूर नाम ही नहीं है। ऑर्डर सीट 14/7/2022 का हुजूर है। हाँ, नाम क्या हो गया? हाँ, क्या है नाम में? कुमार सिंह। कुमार नहीं लिखा गया है जी, इसलिए कि ही जे जुवेनाइल, ही जे जुवेनाइल। आपने एक्ट में पढ़ा है कभी कि नहीं पढ़ा है? लेटेस्ट जजमेंट्स आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट का? ये नाम जो है वो नहीं छपना चाहिए उसका। अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि आप लोग भी इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, इनएडवर्टेंटली कभी कभी हम लोगों के ऑर्डर में भी ऐसा हो जाता है, बट आई एम टेकिंग केयर। अभी लेटेस्ट जजमेंट आपको मैं देता हूं, पढ़िए जरा सेक्शन 74 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। किताब रखा है आपने? नहीं रखा है, दीजिए इनको, बुक दीजिए, पढ़िए जरा जोर से सभी लोगों के लिए। 74 पढ़िए एक बार। Provision of disclosure of identity of children. No report in any newspaper, magazine, news sheet or audio visual media or other forms of the communication regarding any inquiry or investigation or judicial procedure shall disclose the name, address or school or any other particular which may lead to the identification of a child in conflict with law and or a child in need to care and protection or a child victim or witness of a crime involved in such matter under ye padhiye, this is the latest judgment of the honorable supreme court, Shilpa Mittal's case, paragraph 37, ye bhi dijiye. This was the wrong committed by the High Court, and the Supreme Court directed to expunge. वही गलती आप हमसे भी करवाना चाह रहे हैं। Sorry. और ये वो भी paragraph 37. Impugn judgment. The name of the child involved with law has been disclosed. This is not in accordance with the provision of section 34 of the. फिर 34 पढ़ रहे हैं आप, 74 को 34 का पढ़ते हैं। 74 ऑफ द 2015 एक्ट एंड वेरियस जजमेंट ऑफ द कोर्ट्स, वी डायरेक्ट द हाई कोर्ट टू करेक्ट द जजमेंट एंड रिमूव द नेम ऑफ इन्फ्लिक्ट लॉ। नो ऑर्डर नीड बी पास्ड इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ स्वाइनसो वर्सेस स्वाइनसो रिपोर्टेड इन स्वाइनसो. The name of the juvenile is not required to be, it should not be incorporated. Item number 2. अब अगर हम ये नहीं अपनी ओर से करें, रिसर्च तो यही असिस्टेंस लेवल है, आप तो गलती कराने को तैयार बैठे हैं। इनवेरिएबली देख रहे हैं हर केस में, आई हैव नॉट सीन अ सिंगल केस जिसमें आप लोग इसको फॉलो करते हैं। अभी तक तो सही में हुजूर नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था तो विक्टिम को ये कहते थे कि विक्टिम का नेम हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड। यही तो असिस्टेंस चाहिए ना, क्यों कहते हैं हम हमेशा कि जज इज ऑलवेज एट द रिस्क। अच्छा तेज वकील रहेगा तो कुछ बोल करके ऑर्डर ले जाएगा, कमजोर वकील रहेगा तो फिर वो अच्छा केस भी खराब हो जाएगा। This is well said. A judge is always at the risk.
दोनों हालत में, अच्छा वकील और जरा गड़बड़ वकील रहा तो दोनों, वीक वकील रहा तो दोनों हालत में।